धातु परमाणु होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर EAN बराबर होता है केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस EAN बराबर क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस लिगेंडों द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बराबर क्या होता है EAN, ये सूत्र है EAN का। लेकिन ये केवल जिनमें एक, जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है उन पर ये नियम लागू होता है, जिसमें एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु आ जाए, जैसे कि हम दो उदाहरण लिखे थे उनमें केवल एक छोटा सा चेंजेज आएगा, उनमें भी आपको बता दूंगा उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। तो किसी भी यौगिक के लिए जब हमको EAN याद करना हो तो हमें उनके केंद्रीय धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन चाहिए और लिगेंड जो जुड़े हुए हैं उस लिगेंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं उनकी संख्या चाहिए होती है। जिसको ये पता चल जाता है वो आसानी से EAN का मान निकाल, तो इससे तो EAN का नंबर आता है। फिर एक वैज्ञानिक आया, नाम था उसका सिजविक। क्या नाम था उसका? सिजविक। सिजविक ने बताया कि जिन संकुल यौगिकों में EAN का मान नियरेस्ट नोबल गैस न्यास के बराबर आता है, समान आता है। नियरेस्ट नोबल गैस का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो हम जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है नोबल। तो जिनका EAN इनके परमाणु क्रमांक के समान आ जाता है उन संकुल यौगिकों का स्थायित्व अधिक होता है, जिनका परमाणु क्रमांक EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान किसके समान आता है, निकटतम नोबल गैस के समान आता है, तो उनका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है उन संकुल यौगिकों। ये किसने बताया? सिजविक नामक वैज्ञानिक। तो हम जानते हैं नोबल गैस का नंबर कहाँ से हमारे काम आएगा, 18 से कम दान नहीं आता है, 18, 36, 54। कहने का मतलब हम चाहो तो 18 का गुणज भी ले सकते हैं, 18 का गुणज, 18 का पारा बोलना, 18 एकम 18, 18 दुनी 36, 18 दिया 54 और 18 चौक 72 और 18 छंग 108। तो सिजविक ने क्या कहा कि जिन संकुल यौगिकों के लिए EAN का नंबर, इनका योग इस संख्या में से आ जाए तो उस संकुल यौगिक का स्थायित्व क्या है, अधिक है। ये सिजविक ने बताया। अब देखो कैलकुलेट कैसे कर, कैलकुलेट करने का तरीका हम लेते हैं एक एग्जांपल। नंबर वन हमने ले लिया यही निकल टेट्राकार्बोनिल। देखो सबसे पहले हमने चेक किया यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, यहाँ हमको दिख रहा है निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें है, जीरो, अर्थात निकल के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बताओ निकल के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इस अवस्था में, बोलो निकल के पास शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा हूं मैं, आवेशों की संख्या नहीं पूछ रहा हूं। अच्छा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, निकल का परमाणु क्रमांक क्या है, 26। बहुत बढ़िया, तालियां बजानी चाहिए इनके जिन्होंने 26 बताया। एटॉमिक नंबर मालूम नहीं है आप लोगों को, अभी आप 12th क्लास में पहुंच चुके हैं, 28 अब सही आंसर। अरे भाई आपको परमाणु क्रमांक मालूम नहीं है अभी, क्या पढ़ते पढ़ते क्या हो गया आप लोगों को, या तो स्टडी नहीं करते हो आप, या फिर आपको बेसिक ही पता नहीं। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है भाई,
और जब शून्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो इलेक्ट्रॉन भी 28 के 28 ही रहेंगे क्या? क्योंकि आपको बताया गया है उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाँ तो निखिल, केंद्रीय धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है कंपाउंड में? 28 प्लस लिगेंडो द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताओ मुझे कितने लिगेंड है यहाँ पर, कितने लिगेंड है इस कंपाउंड में? 4 लिगेंड। बताओ एक लिगेंड, बताओ एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है? एक लिगेंड धातु परमाणु से बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है? 2। बस काम हो गया यहीं पे। 4 लिगेंड दान करता है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया? 28 + 4 × 8 = 36। अरे नंबर आ रहा है क्या? 36। इसका मतलब निकेल टेट्राकार्बोनिल जो यौगिक है ये स्थाई है। क्या है ये? स्थाई। और इसका ईएन का मान कितना आएगा? 36। बताओ ये उदाहरण समझ में आ गया क्या? बोलो। बोलो ये उदाहरण समझ में आ गया क्या? निकिल टेट्राकार्बोनिल का ईएन निकालना। ठीक, दूसरा उदाहरण देखेंगे। हमने लिया K4FeCN का, इसका क्या निकालना है हमको? EAN का मान निकालना है। चलो चेक करते हैं। EAN हमें पहले धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। धातु परमाणु आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, चेक कर लो आप। आयरन +2 में है। अब बताओ मुझे आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अर्थात इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन के पास? 26। सही है भाई। अब +2 आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा क्या? +2 आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा क्या? यानी 26 के मतलब 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्या? 24। ठीक, अब आओ आगे। साइनाइड कितने? 6 है। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे? 6 × 2 सॉल्व करेंगे, 24 + 12 = 36। यानी ये संकुल यौगिक भी क्या है? स्थाई है, क्योंकि इसका ईएन का मान निकटतम अक्रिय गैस विन्यास के समान आ रहा है।